अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं फरुख शहजाद चौहान और आज की सोशल मीडिया न्यूज़ शुरू करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ हमारे पास है डकी भाई के हवाले से, जिन्होंने फैन फेवरेट यूट्यूबर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया है। जी हां, हमारी तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास फेमस एक्टर अली रहमान की है, जिन्हें कोरोना वायरस पॉजिटिव आ गया है। ये न्यूज़ उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फैंस के साथ शेयर करी और उनसे दुआओं की भी दरख्वास्त करी। अल्लाह उनको सेहतयाब करे, आमीन। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है अलीज़ शाह के हवाले से, जो कि इंस्टाग्राम पर कर रही हैं आईफोन एक्स मैक्स का गिव अवे। तो अगर आप भी आईफोन जीतना चाहते हैं तो आप भी इस गिव अवे का पार्ट बने, हो सकता है कि आप ही वो लकी विनर हो। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास सीबीए अरसलान नसीर की है, जिन्होंने अपने वीडियो विलो स्टेशन का पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां से जाके देख सकते। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास तैमूर सलाहुद्दीन की है, जिन्होंने अपने चैनल पे पाकिस्तान फर्स्ट ई स्पोर्ट्स अवार्ड की वीडियो कम्प्लीट अपलोड कर दी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट न्यूज हमारे पास यंग स्टनर्स की है, जिन्होंने अपने चैनल पे 500,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। हमारी तरफ से यंग स्टनर्स को बहुत बहुत मुबारक और इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहो। गाइस, आज के लिए इतना ही। मजीद सोशल मीडिया न्यूज के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।